हाय, मैं हूं अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं OnePlus Nord 3 के बारे में। तो जैसा हम सबको के साथ में मैक्सिमम 256 GB वाला स्टोरेज ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ LPDDR5 रैम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है और जो मैक्सिमम रैम साइज आप चूज कर पाएंगे इंडिया में वो होगा 12 GB। इस फोन में आपको OnePlus ट्रिपल कैमरा का सेटअप ऑफर करने वाला है। प्राइमरी लेंस जो है वो 50 MP का होने वाला है। OIS मिलेगा आपको यहाँ पे, साथ ही साथ 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा एंड 2 MP का मैक्रो मिल जाएगा। सैडली आपको यहाँ पे डिज़ाइन वाइज कुछ नया डिज़ाइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट दिखने में फ़ोन बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आपको फ्रंट में 16 MP का सिंगल शूटर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इस फ़ोन से आप कैपेबल होंगे 4K रिकॉर्ड करने में एट 30 FPS। फ्रंट में बाय द वे आपको EIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा और प्रोबेबली फ्रंट में आपको सैमसंग का सेंसर देखने के लिए मिलेगा। इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और हाईरेस ऑडियो या फिर डॉल्बी एटमॉस इन दोनों में से कोई एक का सर्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगा। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ सारे ही आपको यहाँ पे सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्सेलेरोमीटर हो गया, जायरो हो गया, प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास। OnePlus इस फोन के साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी ऑफर करेगा, साथ ही साथ 80 W का चार्जर भी मिलेगा। इस फोन में प्रोबेबली आपको 2 या 3 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे, ब्लैक कलर कन्फर्म्ड है। बात कर लीजिए इस फोन की प्राइसिंग के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है करीब करीब 35,000 से 40,000 रुपीज़ के आसपास हो सकती है। मतलब 30 से 40 का जो प्राइस ब्रैकेट है ये फ़ोन उसी प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकता है इंडिया में। आशा करता हूँ इसका वीडियो आपको देखने के बाद OnePlus Nord 3 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।